अच्छा सर, ये बताइएगा कि साद रिजवी साहब की डिटेंशन 7 मई तक थी, तो अब क्या उसको बढ़ा दिया गया? बढ़ा क्या दिया गया, 30 डेज के लिए बढ़ा दिया गया। वो भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं, वी चैलेंज इट इन रिट पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट, वी विल डू इट सून, वी विल डू इट। अब ये हाई कोर्ट में आए हैं साद रिजवी साहब की मुलाकात के लिए, आपका मौकफ है कि आपके साथ उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो इस हवाले से कोर्ट में क्या हुआ, जरा प्रोसीडिंग के हवाले से अपडेट कर दीजिएगा प्लीज। हमने इस सिलसिले में होम सेक्रेटरी को भी दरख्वास्त दी, दीगर जगह भी किया, एंड दे से वी हैव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर के इन्हें मिलने की इजाजत न दी जाए। हुकूमत की तरफ से ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि लीगल टीम को मिलने की इजाजत न दी। आज हमने जो रिट पिटीशन फाइल की है वो ये की है कि TLP की लीगल टीम को मिलने की इजाजत दी। तो जज साहब ने ये कहा है कि सिर्फ ये कहें कि साद रिजवी के वकील को मिलने, साद रिजवी की लीगल टीम को मिलने की इजाजत, बिकॉज TLP इज बैंड। दोबारा आप पिटीशन अमेंड करके फिर दोबारा से मे बी टुमारो और डे आफ्टर वील फाइल। कुछ भी अमेंड नहीं करना, सिर्फ लीगल टीम ऑफ साद रिजवी बी अलाउड टू सीक इंस्ट्रक्शन, इतना करेंगे। अच्छा सर, जो हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ था TLP का कि तमाम कारकुनों को रिहा किया जाएगा और तमाम केसेस, हुकूमत ने आज तक कोई वादा पूरा किया है? फिर बददियानत लोगों को वादे याद नहीं कराए जाते, वो बददियानत लोग। थैंक यू।